पांच प्रकार की हवा शरीर में होती है, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु। अपान और प्राण, प्राण वायु और अपान वायु दोनों आपस में मिल जाती हैं तो पित्त का रोग तैयार हो जाता है। उदान और समान दो बीमारी मिल जाए तो वात का रोग तैयार हो जाता है। व्यान वायु से उदान वायु मिल जाए तो कफ का रोग तैयार हो जाता है। अपान वायु अगर प्राण वायु को छूती है तो सिर दुखता है, उल्टियां आती हैं, डकार आती हैं, एसिडिटी की बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक हो सकता है, लकवा हो सकता है, बाल जल्दी उड़ सकते हैं, आंखें जल्दी अंधी हो सकती हैं। ये सब हवा का ही चक्कर है। और हवा का जब चक्कर आता है तो डॉक्टर को नहीं मिलता, भी तो फिर गांव वाले क्या करते हैं, झाड़ू फूकने वालों पे चले जाते हैं, ढोंगी ढंगड़ों पे चले जाते हैं, फिर वो भी वही बता के मोहर लगा देते हैं कि हवा का चक्कर है, इस पे हवा है, ऊपर की हवा। तो ऊपर की हवा के चक्कर में काला पीला हरा सफेद धागा बांध बूंद कर आदमी को और बीमारी हो जाती है, और बीमार होता चला जाता है। एक बहन जी थी, एक बेटी, जिन पे बहुत दिनों से माता आ रही थी। मैंने कल गुरु मंत्र दे दिया, माला पहना दी और मैंने कहा माता अब कभी नहीं आएगी, तो 24 घंटे हो गए अभी तक आई, अभी तक नहीं आई है माता। माता आने का मतलब है अज्ञान हो जाना, माता आने का मतलब है भ्रम हो जाना, माता आने का मतलब है किसी भी बीमारी की खोज ना पता चलना। माता नहीं होती है, हाई क्लोराइड जो है दिमाग में बढ़ता है, उससे दिमाग में प्रदूषण पैदा हो जाता है। उस प्रदूषण की वजह से हमारे अंदर एक जैसा विचार घूमता है, उस विचार को हम माता पिता प्रेत भूत चुड़ैल ये समझते हैं। वो प्रेत भूत चुड़ैल या माता नहीं होता है। एक शरीर का जो विचार वो धिम धिम करता है, वो विचार वो निकलता नहीं है दवाई से भी, इसीलिए उसको किसी मानसिक रोग किसी डॉक्टर के पास जाकर के जब हम उसका निरीक्षण करके जब इलाज करते हैं तो कोई माता कोई पिता कोई प्रेत कोई चुड़ैल ये सब नहीं आते हैं बंधुओं। उससे अंधविश्वास दूर होता है विज्ञान से। आइए, बहुत सारा विज्ञान ऐसा है जो आपको सीखने को मिलता है कथा में, बचाने की कोशिश कर रहा हूं समाज को।